हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक्जिम बैंक द्वारा जो है मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। तो आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर से किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्वालिफाइंग पेपर देना होगा। इसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज और एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, फाइनेंशियल अवेयरनेस विद रेफरेंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डेटा एनालिसिस तथा इंटरप्रिटेशन से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पांच टॉपिक हैं आपके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस और डेटा एनालिसिस, जिससे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 80 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट का। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये पेपर जो है जो लोग क्वालिफाई करेंगे इसी के नंबर के आधार पर जो है आपका इंटरव्यू होगा। तो पहले ये पेपर क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर देना होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें एसे लिखना होगा जो कि 15 नंबर का होगा, एक एसे और एक लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आपका 10 नंबर का और एसे 15 नंबर का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज में 5 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। टोटल 100 मिनट का टाइम दिया जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो इस तरह 100 नंबर का आपका पेपर होगा, तो टोटल पेपर 200 नंबर का हो जाएगा और 180 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत आंसर देते हैं। अब बात करते हैं इसके जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एब्रीविएशन और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेबी क्या है और उसके बारे में अच्छी तरह से, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए और इकोनॉमिक टर्म के बारे में, साथ ही लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम ये आपके फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ के जरूर जाएं, स्पोर्ट्स बुक्स और ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, समिट और कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, करंट मिनिस्ट्रीज और गवर्नर, कैपिटल और करेंसीज के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन, डिसीजन मेकिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल फंक्शन, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, जजमेंट, नॉन वर्बल सीरीज और रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, नंबर सीरीज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो एंड टाइम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, इसके अलावा इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश सिलेबस की, जिसमें ओकैप्स, ग्रामर तथा वर्ब, एरर करेक्शन, आर्टिकल, टेंस, सिनोनिम्स, एडवर्ब, कंक्लूजन, कॉम्प्रिहेंशन और एंटोनिम से क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, इडियम एंड फ्रेज, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज कॉम्प्लीशन, अनसीन पैसेज, फिलिंग द ब्लैंक्स, थीम डिटेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के। इसके बाद आपका आईटी डेवलपर का सिलेबस की बात करें तो कोर बैंकिंग सिस्टम, जिसमें कोर बैंकिंग सिस्टम, फिनकल कोर और फिनकल कोर कस्टमाइजेशन, जेस्पर रिपोर्ट, एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस, इसके अलावा ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, पीएल एंड एसक्यूएल, जावा स्क्रिप्ट, वेब टेक्नोलॉजीज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, लिनक्स और AIX, नेटवर्किंग, मैसेज, यूनिक्स सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्विस और अदर बैंकिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लीगल के लिए हैं तो आपको एब्रिविएशन एक्ट, बैंकिंग लॉ और प्रैक्टिस, सिविल प्रोसीजर कोड, कंपनी एक्ट, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और क्रिमिनल लॉज के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और डेब्ट रिकवरी लॉ, एविडेंस एक्ट, इंसॉल्वेंसी तथा बैंकरप्सी कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल लॉज, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तथा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, इन सब की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपके अपने डोमेन से रिलेटेड अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और बैंकिंग के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। तो आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन है।